वर्बल स्किल्स आपके साथ है नए कॉन्सेप्ट को लेके और स्पोकन इंग्लिश की डिमांड बहुत आएगी। कौन से ऐसे टिप्स और टेक्निक्स हों कि आप स्पीकिंग में अपनी स्पोकन इंग्लिश में आगे बढ़ सके, तो आज वर्बल स्किल्स आपके लिए एक टिप के साथ है। सो वी विल मूव फॉर क्रैकिंग दोज टिप्स टुडे। उससे आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लॉजिकल वे में इंग्लिश को सीख पाए और साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मूविंग टू आवर टिप ऑफ टुडे, स्पोकन इंग्लिश में आगे बढ़ने का सबका मन होता है कि आई शुड बी वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने का सपना हर एक व्यक्ति का होता है। तो क्यों ना आप उस सपने को आज साकार करें, बट यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रॉम्प्ट इन लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग दीज टिप्स। तो सबसे पहली टिप जो आप आज देख सकते हैं, दैट इज कॉमन सेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कॉमन सेंस, कभी भी याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, सेंस कॉमन तो कभी नहीं होता, ना आपका ना मेरा सेंस कभी कॉमन हो ही नहीं सकता। बट स्टिल हमने इस वर्ड को अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना ज्यादा अज्यूम कर लिया है दैट वी नो व्हाट एग्जैक्टली द मीन इज। हाँ, कॉमन सेंस को अब स्पोकन में हम कैसे ला सकते हैं? आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर गोइंग विद द फर्स्ट सेंटेंस, पैर पोंछ कर अंदर आओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए या मैं इसको बोलूं कि आप इसको इंग्लिश में मुझे बोलकर बताइए, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या कंफ्यूजन होगा। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेंटेंस में कुछ वर्ड्स की तो बहुत इजीली इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ पूछने के लिए शब्द तलाश करेंगे। यस, इस समय आपका दिमाग पूछने के लिए शब्द तलाश कर रहा है, लेकिन यहाँ अब मैं कोरिलेट करूंगी अपने कॉमन सेंस को। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा स्पोकन जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से नहीं बनती। कहीं ना कहीं हमारे जो चीजें हैं, आसपास की चीजें हैं, उनको ऑब्जर्व करके उस कॉमन सेंस से भी हम ट्रांसलेट या स्पोकन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूं तो इजीली मैं आपसे बोलूंगी, अगर मुझे किसी भी व्यक्ति से ये बोलना है कि प्लीज भाई आजकल कोरोना है, पैर पोंछ कर अंदर आना, तो मैं बोलूंगी प्लीज यूज डोरमैट। जी हाँ, क्योंकि दरवाजे पर पड़ा रहता है डोरमैट, और डोरमैट से पैर पोंछकर कोई भी अंदर ही आएगा। सो डेफिनेटली इट इज एक्चुअली द मीन कि यहाँ मैंने छोटा सा कॉमन सेंस यूज किया कि चीज का इस्तेमाल या उसको और किस तरीके से रिलेट करके बोला जा सकता है, और मेरी स्पोकन इंग्लिश में मेरा डे टू डे कॉन्वर्सेशन का सेंटेंस बन गया। आगे बढ़ते हैं, नल खोल दो, नल बंद कर दो। अक्सर ओपन और क्लोज मन में आता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स बताइए, क्या नल को ओपन या क्लोज किया जाता है? नो, नॉट एट ऑल। हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज, कैसे यूज करते हैं उसको? या तो हमारी ट्विस्टिंग होती है, दैट मीन्स हम टर्न करते हैं। सो हियर द ट्रांसलेशन वुड बी टर्न ऑन या टर्न ऑफ टैप। जी हाँ, सिंपली जो भी मेरा यूज करने का तरीका था उससे मेरी इंग्लिश जल्दी से बन गई। शंख बजा दो, याद रखिए, अब शंख बजा दो तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि शंख को क्या कहते हैं, तो अगेन वो कैब बहुत पावरफुल होती है, तो कॉन्शन बोलते हैं, लेकिन आप बजा दो कैसे होगा? तो याद रखिए, कैसे बजाया जाता है शंख? फूक कर। तो फूकने को क्या बोलते हैं? ब्लो। तो यहां जो मेरी इंग्लिश होगी, ब्लो द कॉन्शन। जी हाँ, मेरी इंग्लिश फटाफट बन गई उस चीज को तरीके यूज करने के तरीके से। और लास्ट में, पंखा चल रहा है तो द फैन इज वॉकिंग? नो, नॉट एट ऑल। तो याद रखिए, पंखे को हम क्या करते हैं? स्विच ऑन या स्विच ऑफ। तो यहाँ पंखा चल रहा है, सिंपल, द फैन इज ऑन। ऑन है मतलब चल रहा है। आई होप आपका दिमाग भी आज से कॉमन सेंस के लिए, इंग्लिश में आगे बढ़ने के लिए ऑन हुआ होगा। तो ऐसे ही लॉजिकल टिप्स आपको स्पोकन में वर्बल स्किल्स देता रहेगा। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।